Hello students, welcome to all of you on Topper's tutorial and it's me Pushpa. So today we are going to start our new chapter, that is understanding correlates. And before we are going to start the chapter, we can see the topics of this chapter on the screen. So the topics name are curve, polygons, part of a polygon, classification of polygon, regular polygon, sum of interior angle of polygons, quadrilaterals, type of quadrilaterals, that is rectangle, rhombus, square, parallelogram, trapezium, kite, and lastly quadrilaterals and its properties ke bare mein. Okay, so before we start, here the topic name is curve. So what is curve? Curve hum kise kahenge? Theek hai, to curve jo hota hai ek smooth aur ek continuous line होती है, जो कि कहीं ना जाके कहीं एक पॉइंट पे क्या होती है, वो बेंड होती है. जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एक लाइन कर्व, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता दें कि इस तरीके से, यानी कि फ्री हैंड कंटिन्यूस अगर आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, इसको हम क्या कहेंगे? कर्व कहेंगे. ओके, ये भी हमारा कर्व हो गया, ये भी कर्व हो गए. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके, ठीक है, जो आप देख सकते हो कर्व के बारे में. सो अब हम डेफिनेशन अगर देखें तो डिफ्रेशन में कहा गया कि अ प्लेन कर्व इज अ स्मूथ एंड कंटिन्यूअस लाइन दैट बेंड्स एट अ पॉइंट एंड इज ड्रॉ ऑन अ सिंगल प्लेन और अ प्लेन सरफेस लाइक पेपर. सो हम जो है कर्व को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्मूथ और कंटिन्यूअस फ्री हैंड से हम ड्रॉ करते हैं कर्व को, एंड ये हम जो है वो प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करते हैं. अब जो प्लेन कर्व होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका क्लोज्ड कर्व एंड सेकेंड वन इज़ अ ओपन कर्व. तो आप यह फिगर पर देख पा रहे हो कि क्लोज कर्व जो है वो क्या होता है, वो पूरे तरीके से क्लोज्ड है, ठीक है. यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है इस कर्व के बीच में. बट यहाँ पे जब ओपन कर्व में देख रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे फिर डिसकन्टीन्यूटी है इस कर्व में, यहाँ डिसकन्टीन्यूटी है इस कर्व में, ठीक है. तो इस तरह के कर्व अगर होंगे तो उसे हम ओपन कर्व कहेंगे, और अगर इस तरह से जो बिना डिसकन्टीन्यूअस एक कर्व अगर हमने ड्रॉ किया है और उसको क्लोज किया है, दैट मीन्स वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व कहेंगे. इसके बाद जो है इसके और दो तरीके टाइप्स होते हैं कर्व के. एक हमारा हो गया सिंपल, ओके, सिंपल कर्व. एक हमारा हो गया सिंपल कर्व एंड सेकंड हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स कर्व. ओके, सो सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व में क्या होता है कि हम जो कंटिन्यूस ड्रॉ करते हैं एक फिगर को, वो हम बस एक फ्लो में हर एक एंड को एक दूसरे के वर्टिसेस के एक एंड से जाके जॉइन कर देते हैं. बट कॉम्प्लेक्स कर्व में क्या होता है कि हम जो है इसके बीच से, यानी कि जो भी आप कर्व बना रहे हो, आप यहाँ देख सकते हो कि इसके बीच से जो है, इसके जो कर्व से उसको हमने क्या किया है, इंटरसेक्ट करता हुआ जो है एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है. यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, ये हमारा जो कर्व है यहाँ भी हमने इसको इंटरसेक्ट किया है, ठीक है. तो इस तरह के कर्व जो कि अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो ऐसे कर्व को हम कॉम्प्लेक्स कर्व कहेंगे. और सिंपल कर्व होगा जो कि वो इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे, बट उनके एंड्स जो है वो हर एक वर्टिसेस पे जाके क्या करते हैं, वो जॉइन करते हैं और एक क्लोज्ड फिगर वो ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे अदर एग्जांपल्स भी आपके दिए गए हैं, इस तरह के आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल ही क्लोज है और ये सिंपल है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी जो हमारा अदर कर्व है उसने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया हुआ है. बट यहाँ पर जो हमने कर्व देखा है कॉम्प्लेक्स कर्व में, यहाँ पर क्या हुआ है कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कर्व, और ये हमारा हो जाएगा सिंपल और क्लोज्ड कर्व. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो वो है आपके पॉलीगन्स. तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? तो पॉलीगन्स जो है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, यानी कि एक क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है, जो कि हम एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं और वो सिंपल कर्व से, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे. अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो डिफिनेशन में आपको दिया गया है कि अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर. ओके, एज वी कैन सी कि यहाँ क्या है, ये क्लोज्ड प्लेन फिगर है, यानी हम प्लेन सरफेस पे इसको ड्रॉ करते हैं जिस तरह से हमने कर्व को ड्रॉ किया था. तो इसी तरह से पॉलीगन भी क्या होते हैं, ये प्लेन फिगर पे या प्लेन सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है, विच इज़ बाउंडेड बाई थ्री और
मोर स्ट्रेट साइड्स। स्ट्रेट साइड्स कहने का मतलब है यहाँ पे लाइन सेगमेंट से है, यानी कि थ्री या फिर मोर देन थ्री अगर हम लाइन सेगमेंट से कोई एक क्लोज्ड कर्व हम फिगर बनाते हैं सिंपल कर्व की तरह, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे को मीट करते हैं उसके एंड पॉइंट पे, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस। यानी कि अगर जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स होंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन में कि सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, ओके, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट अदर देन इट्स वर्टिसेस। यानी कि ये जो भी हमारा पॉलीगन होता है, जो हम फिगर बनाते हैं, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा क्या हो गया, आप देखो ये लाइन सेगमेंट से है जो कि मोर देन फोर, यानी कि हमने ये फोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनाया हमने यहाँ पे, और ये बस यहीं पे, यानी कि इनके वर्टिसेस पे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। आइदर ये अगर इस तरह से, ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो आप, ये अदर साइड जो हमारा, इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, जो पॉलीगन होता है वो सिंपली एक सिंपल क्लोज कर्व फिगर होता है जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ तो होता है। अगर हम कर्व की बात करें, तो अगर आपने ऐसे कुछ ड्रॉ किया तो ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगन में क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन से ही बना होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं फिगर में, हमारा यहाँ पे है जो कि ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल्स है, पेंटागन है, ये सभी क्या है, हमारे पॉलीगन्स के अंदर आते हैं। ओके, सो देख रहे हैं यहाँ पे ये थ्री साइडेड हो गया, ये फोर साइडेड है, फाइव साइडेड है, एंड यहाँ पे सेवन सिक्स साइडेड आपका फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ये भी हमारा जो है पॉलीगन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, बट इसमें कहीं पे भी इसने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया है इंटरनली, ये बस अपने वर्टिसेस पे ही जो है यहाँ पे ये इन्होंने एक दूसरे को मीट किया, इंटरसेक्ट किया है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीगन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ये सभी हमारे जो है वो पॉलीगन्स के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पॉलीगन्स के जो पार्ट्स के बारे में, ओके, कि हमारे पॉलीगन्स में कितने क्या क्या होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके नेम्स के बारे में। तो जो पहला हमारा होता है वो वर्टिसेस होते हैं। तो वर्टिसेस क्या होते हैं कि जब भी दो स्ट्रेट आपका लाइन सेगमेंट अगर ज्वाइन होता है, ठीक है, तो उसे हम जिस पॉइंट पे वो ज्वाइन होता है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। जैसे कि आपके नीचे यहाँ पे फिगर दिया गया है कि यहाँ पे एक, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये लाइन है और ये आपका दूसरा लाइन है जो कि इस पॉइंट पे इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप डेफिनेशन देखोगे, द एंड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड वर्टिसेस। तो इस पॉलीगन का जो एंड साइड, यानी कि साइड का जो एंड पॉइंट है, आप देख रहे हो कि ई डी का एंड पॉइंट यहाँ पे है, देन ए डी का एंड पॉइंट यहाँ पे है, और ये दोनों जो है वो इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिसेस हो जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ आपका किसी भी पॉलीगन में जो नंबर ऑफ हमारे साइड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस के। जो नेक्स्ट है हमारा इसका कंसेक्यूटिव साइड्स के बारे में, ठीक है, एक और चीज़ है वर्टिसेस के बारे में, जब भी हम उसको नेमिंग करेंगे किसी भी फिगर को, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हमारा फिगर दिया गया है, ये हमारा ए बी सी डी ई, ये जो है हमारा है, इसको अगर हम वर्टिसेस को नाम देने की बात कहेंगे, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल कंसेक्यूटिवली उसका नेमिंग करते हैं, चाहे वो हम क्लॉकवाइज में करें या फिर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज में करें। कहने का है कि अगर हमने इसको क्लॉकवाइज में किया, तो ये हम क्या कहेंगे, आपका पहले हमने डी लिखेंगे, डी सी बी ए एंड ई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका वर्टिसेस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आपका है कंसेक्यूटिव साइड्स के बारे में। तो कंसेक्यूटिव साइड्स क्या होते हैं, कि वो दो साइड्स दैट हैव एन एंड पॉइंट इन कॉमन, यानी कि वो दो स्ट्रेट लाइंस होते हैं उस पॉलीगन के, जिनका जो एंड पॉइंट है वो कॉमन हो, यानी कि वो सेम वर्टिसेस पे जाके मीट करें, तो वो जो दो लेंथ साइड्स होंगे वो हमारे कंसेक्यूटिव साइड्स कहलाएंगे। ठीक है, नाउ आप यहाँ पर डेफिनेशन पे, कंसेक्यूटिव साइड्स आर टू साइड्स दैट हैव एन एंड पॉइंट इन कॉमन एंड द फोर साइडेड पॉलीगन इन फिगर बिलो कुड हैव बीन नेम्ड बी ए बी सी डी बी सी डी ए और ए डी सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने कंसेक्यूटिव साइड्स को जो है यहाँ पे नेम भी किया गया है, जो कि आपको गिवन दिया गया है यहाँ पे फोर साइड जो हमारा पॉलीगन है डेट इज ए बी सी डी। ठीक है, अभी हम पहले ए बी सी डी लेंगे, ए बी सी डी, यहाँ पे हमारा ए है, बी एंड देन सी एंड डी। ठीक है, तो अगर इस फिगर की हम बात करें जो कि हमारा एक पॉलीगन है, फोर साइडेड है, तो इसमें अगर हमने कंसेक्यूटिव साइड्स की नेमिंग करना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए बी और बी सी,
तो ए बी और बी सी जो ये दो साइड्स हैं हमारे, ये हमारे क्या है, ए बी एंड बी सी, ये हमारे क्या है, टू कंसेक्यूटिव साइड्स हो जाते हैं। ओके उसी तरह से हमारा बी सी एंड डी सी डी, ये हमारा जो है वो सेकेंड पेयर हो जाता है कंसेक्यूटिव साइड्स के। देन सी डी एंड डी ए, ये हमारा क्या होता है, थर्ड पेयर होता है हमारा कंसेक्यूटिव साइड्स। देन डी ए प्लस ए बी, ये हमारा फोर्थ, यानी कि जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके पेयर होंगे कंसेक्यूटिव साइड्स के। और इसको हम इसी तरह से नेमिंग कर सकते हैं, लाइक ए बी सी डी, ये आपका एक पेयर हो गया, बी सी डी ए सेकेंड पेयर, देन सी डी ए बी थर्ड पेयर, देन डी ए बी फोर्थ पेयर। क्लियर? इट डजंट नॉट मैटर विथ विच लेटर यू बिगिन एज लॉन्ग एज द वर्टिसेस आर नेम्ड कंसेक्यूटिवली। ओके एंड साइड ए बी एंड बी सी आर एग्जाम्पल ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स। नाउ देर आर फोर पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स इन द पॉलीगन एज वी ऑलरेडी डिस्कस। नाउ लास्ट द पार्ट्स ऑफ अ पॉलीगन। ओके अब नाउ इन द पार्ट्स ऑफ पॉलीगन हियर इज अ डायगोनल। ठीक है, द थर्ड पार्ट ऑफ पॉलीगन इज अ डायगोनल। एंड वॉट इज डायगोनल, हम किसे डायगोनल कहेंगे, तो वो आपका होगा कि अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल्स कहेंगे। जैसे इन इस फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैं सिंपली अगर फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया जाए, लाइक यहाँ पे एक स्क्वायर मैंने बनाया है। ओके ये वन हो गया, ये टू, आप अल्फाबेट्स का यूज़ भी कर सकते हो इसके नेमिंग के लिए, इसके वर्टिसेस के नेमिंग के लिए। मैंने यहाँ पे वन टू थ्री न्यूमेरिकल वैल्यूज़ किया है। सो यहाँ वन टू थ्री फोर, ये हमारा एक फिगर है जिसको मैंने नेम कर दिया वन टू थ्री फोर से। अब हम यहाँ बात करें कि अगर हमें डायगोनल बनाना है इस फिगर का, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होंगे अगर हमने उसको ज्वाइन किया तो हमारा जो है डायगोनल्स वो बनता है। डैट मीन्स अगर हमने वन एंड थ्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, दो टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हमने वन और थ्री को ज्वाइन किया तो ये जो हमारा वन थ्री जो हमने एक लाइन सेगमेंट यहाँ ड्रॉ हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल्स हो जाएगा। सेम इस फिगर में जो आप देख रहे हो कि इसमें भी ड्रॉ किया गया एक फिगर जो कि एक पेंटागन है, और इसमें भी आपका एस से लेकर क्यू को यहाँ ज्वाइन किया गया जो कि दो नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स हैं। देन आर टी, देन टी एंड यू को जो है ये इनको भी ज्वाइन किया गया आर से। ठीक है, तो ये क्या है, आर के दो जो है वो नॉन कंसेक्यूटिव यहाँ वर्टिसेस हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे जो है डायगोनल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर यहाँ फोर साइड की बात करें कि अगर फोर साइड का कोई पॉलीगन हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ है और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड। यानी कि अगर फोर साइडेड आपका पॉलीगन है तो उसमें आप बस दो जो है डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह के आपके अगर फिगर्स पॉलीगन जो है वो हमारे जिस नंबर ऑफ साइड्स है वो अगर ज़्यादा होंगे, फाइव सिक्स सेवन, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका जो यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, डेट इज़ एन स्क्वायर माइनस थ्री एन डिवाइडेड बाई टू। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जिससे कि आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं किसी भी पॉलीगन के वो हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉलीगन में। और यहाँ पे जो एन है इसकी वैल्यू क्या हम रखेंगे, तो जो पॉलीगन हमारा दिया गया है जिसका फाइंड आउट करना है डायगोनल्स, तो उसका हम जो एन होता है वो क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उस पॉलीगन के। ओके तो अगर हम यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे फाइव साइडेड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो एन का वैल्यू है यहाँ पे हमने फाइव रखना है, देन हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, दैट इज़ फाइव स्क्वायर 25 हो जाएगा हमारा, माइनस थ्री इंटू फाइव, यहाँ एन भी हमने फिर से फाइव रखा है, दैट इज़ यहाँ 25 माइनस 15 आपका कितना होगा, 10 होगा। देन 10 को हम डिवाइड करेंगे टू से। ओके लाइक यहाँ पे हमने लिखा 25 माइनस 15 एंड इट्स डिवाइडेड बाई टू। क्लियर है? तो यहाँ हमने अगर इसको माइनस किया तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 10। देन हम इसको डिवाइड करेंगे टू से एंड हम इसको कट आउट करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 5। यानी कि जो नंबर ऑफ डायगोनल है वो हमारा कितना हो जाएगा पेंटागन का,
5 हो जाएगा। तो इसी तरह से जो डिफरेंट नंबर ऑफ आपका साइड्स ऑफ पॉलीगन होंगे, उसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट जो है आप डायगोनल्स उसके फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले के बेसिस पे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स के बारे में। तो क्लासिफिकेशन अगर हम पॉलीगन्स को देखेंगे तो ये कुछ 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो जो पहला दो है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो 2 हमारा क्लासिफिकेशन है पॉलीगन का, वो हमारा है कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड हमारा है नॉट कॉन्वेक्स, या फिर हम इसको कॉनकेव पॉलीगन भी कह सकते हैं, ठीक है। जनरली आप ये को तीनों ये नाम जो है वो किसी न किसी डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव के नाम से भी आपको देख सकते हो अपने बुक्स में। सो कॉन्वेक्स जो होता है वो क्या होता है, दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉनकेव पॉलीगन। ओके, नाउ द कॉनकेव पॉलीगन इज अ पॉलीगन इज अ कॉनकेव इफ देयर आर 2 पॉइंट्स समवेयर इनसाइड इट फॉर विच अ सेगमेंट विद दिस एज इट इन पॉइंट्स कट एटलीस्ट 2 ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन। ओके, यानी कि कॉनकेव आपका जो पॉलीगन होता है उसमें क्या होते हैं, जो भी आप कोई भी अगर फिगर ड्रॉ करते हैं तो उसमें या तो अगर मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया इस तरीके से, ओके आई होप यू कैन सी, यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया। ओके, अब यहाँ पे देखोगे कि इसमें जो डायगोनल्स ड्रॉ होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो इसमें जो 2 ही डायगोनल्स ड्रॉ होंगे यहाँ पे और आपके कुछ इस तरीके से, तो ये जो 2 डायगोनल्स हमने ड्रॉ किया है, ये जो डैट मीन्स कि ऐसे फिगर जिसमें कि जो डायगोनल्स है वो क्या होते हैं, वो इंटीरियर साइड्स में यानी इंटीरियर एंगल में ही एरिया में जो है वो ड्रॉ होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं आपका कॉन्वेक्स